की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भड़क गई। भड़कने का क्या है कारण, जानिए हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। राबड़ी देवी के परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वैसे पहले से बिहार की राजनीति गरमाई है और नेता प्रतिपक्ष को ढूंढने का काम लगातार चल रहा है। हालांकि कई बार उनके कुछ ऐसे नुमाइंदे थे जिन्होंने उनके बारे में भ्रामक बातें फैलाई। कुछ का कहना था कि वो वर्ल्ड कप देखने गए हैं, कुछ ऐसे लोगों का कहना था कि वो दिल्ली में हैं और वो नज़र बनाए हुए हैं बिहार की घटनाक्रम पर, या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हो जाए या कोई ऐसी बीमारी जैसे इंसेफ्लाइटिस का कहर बरपा है तो उस पर भी नज़र रखे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन नज़र रखे हैं तो फिर तेजस्वी यादव हैं कहाँ? क्या उन्हें सामने आकर जनता के दुख दर्द को साझा करना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती देखिए हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार का अपना अलग ही महत्व है। हालांकि ये दिगर बात है कि अब पहले जैसी बात नहीं रह गई। इनके परिवार में ही आपसी रार मची हुई है और तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भाग लेने नहीं पहुंचे। इस संबंध में जब उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछा गया तो वो पत्रकारों पर ही झल्ला उठे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि तेजस्वी आपके ही घर में है। राबड़ी देवी विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची तब राजद के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों ने जब राबड़ी देवी से तेजस्वी यादव के संबंध में पूछा तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि तेजस्वी आपके ही घर में है। इधर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद नेतृत्व विहीन नहीं है। उन्होंने कहा वे नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई और संभालेगा। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जल्दी तेजस्वी यादव आएंगे। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद 29 मई को हुई राजद की समीक्षा बैठक के बाद से तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से पटना में नजर नहीं आए हैं। इसको लेकर राजद के विरोधी लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि सरकारी बंगले की शाही साजो सज्जा के मामले में तेजस्वी यादव का कोई क्लीन चिट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी बंगले में 44 एयर कंडीशन लगाए हैं। सुशील मोदी ने ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था और कहा था कि तेजस्वी यादव को सरकार से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। उन्होंने कहा 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले की साजो सज्जा पर अपने पैच उन्होंने कहा 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले की साज पर अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च करने के मामले में सरकार द्वारा तेजस्वी यादव को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। आखिर किस नियम के तहत तेजस्वी यादव ने भवन निर्माण विभाग के अतिरिक्त पुल निर्माण निगम में 59 लाख का कीमती फर्नीचर मंगवाया? उन्होंने तेजस्वी पर यह भी आरोप लगाया कि अपने कमरे में ही नहीं बल्कि शौचालय तक में 44 एसी लगवाए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने 35 महंगे लेदर सोफा, विदेशी ग्रेनाइट मार्बल दीवारों की वुडन पैनलिंग और फर्श की वुडन फ्लोरिंग और मॉड्यूलर किचन, 464 महंगी फैंसी एलईडी लाइट, 108 पंखे, लाखों विलियर्ड टेबल और कीमती पर्दे पर अनाप शनाप सरकारी खर्च करवाया है। पार्टी की कमान फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथों में है। ऐसे में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद का खासा उपेक्षित महज पैच पार्टी की कमान फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथों में ऐसे में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद को खासा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव लालू राबड़ी धन खर्च करवाया है तक लगा दे। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।